आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर के गिरजाघर में दिखा क्रिसमस का क्रेज। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरजाघर के प्रार्थना सभा में फादर का संबोधन जारी, जब भगवान यीशु के रास्ते पर चलने की बात कही। अपने परिवार के साथ प्रार्थना सभा में हुए हैं शामिल। फतेहपुर के गिरजापुर में दिखा है क्रिसमस का क्रेज। गिरजाघर के प्रार्थना सभा में फादर का संबोधन, भगवान यीशु के रास्ते पर चलने पर कही है बात। अपने परिवार के साथ प्रार्थना सभा में हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां फतेहपुर के गिरजाघर में दिखा है क्रिसमस का क्रेज। गिरजाघर के प्रार्थना सभा में फादर का संबोधन, जहां भगवान यीशु के रास्ते पर चलने की बात कही है। अपने परिवार के साथ प्रार्थना सभा में हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आई है धाता पुलिस। अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, दो अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। 10 किलो गांजा के साथ तमंचा कारतूस हुआ है बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर सुर्खियों में आई है धाता पुलिस। अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर, अभियान में दो अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जहां पर 10 किलो गांजा के साथ तमंचा कारतूस हुआ है बरामद। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हमीरपुर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया है स्वागत, जहां चौरा देवी मंदिर के राज के लिए रवाना होगी जन विश्वास यात्रा। यात्रा में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, विधायक युवराज सिंह मौजूद। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हमीरपुर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया है यात्रा का स्वागत, जहां चौरा देवी मंदिर के राज के लिए रवाना होगी जन विश्वास यात्रा। यात्रा में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, विधायक युवराज सिंह मौजूद। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया है स्वागत, जहां चौरा देवी मंदिर से राज के लिए रवाना हुई है जन विश्वास यात्रा। यात्रा में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, विधायक युवराज सिंह मौजूद। अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला। इस वक्त की बड़ी खबर, व्यक्ति की मौके पर हुई है मौत, जहां घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश में है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया है जाम। लखनऊ कानपुर रोड पर लगा है लंबा जाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला, जहां व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जहां घटना से इलाके में लोगों में मचा है आक्रोश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थाना गुडम्बा क्षेत्र के पहाड़पुर के पास गलियों में दिखा है तेंदुआ, जहां पूजा नर्सिंग होम की गली में दिखा है तेंदुआ। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को देख जाने की हुई है पुष्टि। तेंदुए की वजह से इलाके में मचा है हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों में तेंदुए का खौफ देखा जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि थाना गुडम्बा क्षेत्र के पहाड़पुर के पास गलियों में दिखा है एक तेंदुआ, जहां पूजा नर्सिंग होम की गली में दिखा है तेंदुआ। तेंदुए को देख लोगों में मचा है हाहाकार, जहां सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को देखा गया, जहां तेंदुए की वजह से इलाके में मचा है हड़कंप। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा,
26 दिसंबर को कासगंज और जालौन का दौरा, जहां 28 दिसंबर को हरदोई सुल्तानपुर भदोही पहुंचेंगे गृह मंत्री। 30 को मुरादाबाद उन्नाव में मौजूद रहेंगे। 31 को संत कबीर नगर में जनसभा, बरेली में होगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा इस वक्त की बड़ी खबर। 26 दिसंबर को कासगंज और जालौन का दौरा है, जहां 28 दिसंबर को हरदोई सुल्तानपुर भदोही पहुंचेंगे गृह मंत्री। 30 को मुरादाबाद उन्नाव में होगी जनसभा। 31 को संत कबीर नगर में जनसभा, बरेली में होगा रोड शो। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।